सामान। बहुत अच्छे। तुमने मेरा 50 लाख का सोना बड़ी होशियारी से बचाया। इसके लिए मैं तुमको स्पेशल इनाम दूंगा। बस माल हमारे गोदाम तक पहुंच गया। वेरी गुड, वंडरफुल। कम ऑन गर्ल्स, ओपन ए फ्रेश बॉटल फॉर हिम एंड मेक हिम हैप्पी। कम ऑन यू टू। कालीचरण, या मेरा सोना तुम्हारे गोदाम तक पहुंच गया। अब मेरा कैश एकदम तैयार है। गिव इट टू हिम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गिन लीजिए मिस्टर लॉरेंस। इट्स ऑल राइट मिस्टर कालीचरण, इट्स ऑल राइट। बस मिस्टर कालीचरण, माइंड यू, अब मैं लॉरेंस नहीं रहा। पुलिस और इंटरपोल की नजरों में लॉरेंस मारा जा चुका है और उस दिन से मैं नकली शेख बन गया, शेख अब्दुल सत्तार। बट यू कैन कॉल मी जस्ट शेख। कालीचरण, इस धंधे के लिए मैंने बहुत कुर्बानी की। इस आंख को निकलवाकर नकली आंख लगवाई, एक टांग का ऑपरेशन करवाकर लंगड़ा बना, तब कहीं पुलिस से जाकर पीछा छूटा। और कालीचरण, इतना सब कुछ करने के बाद ये 25-50 लाख का धंधा हमको सूट नहीं करता। तुम तो जानते हो कि यूरोप में हम अकेला आदमी है जो 25-50 करोड़ का माल एक साथ खरीद सकता है। अगर इस दफा हम तुम्हें 5 करोड़ की चरस सप्लाई करें तो? चरस? अरे चरस का मार्केट तो बहुत तेज है कालीचरण, 5 करोड़ का 50 करोड़ बन सकता है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कालीचरण, 5 करोड़ तुम्हारे पास आएगा कहाँ से? इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा अपने सेठ जी की मेहरबानी से। That old man, जो अफ्रीका में रहता है, क्या नाम है उसका? सेठ बिंद्राबन। बृंदाबन? बट ही इज़ योर बॉस, वो तो तुम्हारा मालिक है। हाँ मालिक है, लेकिन अब रहेगा नहीं। Yes? सर, अफ्रीका से सेठ बृंदावन का अर्जेंट टेलीग्राम आया है, वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। ओके सर। थैंक यू। तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि इस जगह के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, सारे हिंदुस्तानी यहाँ से जा रहे हैं और हमने भी अपने घर वापस आने का फैसला कर लिया है। 1 महीने के अंदर अंदर हम हिंदुस्तान पहुँच रहे हैं। हमारे पहुँचने से पहले बंगले की सफाई वगैरह सारे इंतजाम करा दो। देखो रॉबर्ट, अगर सेठ बिंद्राबन को यह पता चल जाए कि हम उनकी सारी जायदाद बेचकर स्मगलिंग में लगा रहे हैं तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सेठ बृंदावन ही ना रहे। दैट इज वंडरफुल। बल्कि सेठ बृंदावन ही क्यों, उनका सारा खानदान ही ना रहे। दैट्स मच वाइजर, क्योंकि फिर सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। आई नो दैट। मिस्टर वॉटसन, कैन आई हैव द फाइल प्लीज? यस बॉस। कुर्बानी के बकरे। हाँ, ये रहा तुम्हारा जाली पासपोर्ट और टिकट, और ये उस खानदान की तस्वीर, इन्हें अच्छी तरह पहचान लो। ये हैं सेठ बिंद्राबन और ये उनका लड़का सूरज, और ये निम्मू उनकी लड़की। बस सिर्फ 3 आदमी? सारा खानदान ही यही है। नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इनमें से कोई बचने ना पाए। मिस्टर कालीचरण, मौत से बचना आसान है लेकिन रॉबर्ट से बचना नामुमकिन। When I kill them, they stay dead. इस काम को करने के बाद हिंदुस्तान वापस मत आना, सीधा माल्टा पहुंच जाना। वहां जो हमारा नाइट क्लब है उसका चार्ज भी तुम ही ले लेना, लेकिन सारा काम होने के बाद। अभी तक तेरा भाई नहीं आया। डैडी, मेरा तो दिल धड़क रहा है, कौन जाने कब क्या हो जाए। शायद भाई आ गए। भैया। बेटे, बड़ी देर करती। डैडी, शहर में चारों तरफ लूट मार मची है, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। हमारे निकलने का इंतजाम हुआ? हाँ डैडी, मेरा एक अफ्रीकन दोस्त 12 बजे जीप लेकर आ रहा है, हम लोग बैक डोर से निकल चलेंगे। वेरी गुड। तो देखो बेटे, ऐसे करते हैं, इस घर की तमाम बत्तियां जलने दो ताकि लोगों को ये पता लगे कि हम यहीं हैं। थोड़ा बहुत सामान पैक कर लो, बाकी हमारा सब कुछ तो हिंदुस्तान में है बेटे। ओके डैडी। ऑलराइट, यू बोथ गेट रेडी। ओके, गो गो गो।
निमो, सिर्फ दो घंटे बाकी हैं, जल्दी से तैयार हो जाना, कहीं मेकअप वेकअप में मत लगी रहना। क्या भैया, मैं आपकी तरह हूँ क्या? अच्छा लूसी, तुम्हें हिंदुस्तानी साड़ी पहनने का बहुत शौक है ना? जी, मैं जा रही हूँ। इन साड़ियों में से तुम्हें जो भी साड़ी अच्छी लगे तुम रख लेना। मैडम, हमको ये साड़ी पसंद है। ये साड़ी पसंद है? अच्छा, ये रख लेना। और लूसी, वो जो बैग है ना, उसे बाहर निकालो और मेरे सारे कपड़े बाहर निकाल के रखना, मुझे पैकिंग करनी है। ओके, मैं ना क्या। लूसी, ये लो। ओके, थैंक यू मैडम। इस वक्त सारा खानदान घर के अंदर है, चारों तरफ से मकान के बाहर जाओ। सुनो, अगर कोई बाहर आने की कोशिश करे गोली मार देना उसे। रिमू को बचाओ, अपनी बहन को बचाओ, दुश्मन आ गए हैं, उसे लेकर हिंदुस्तान चले जाओ। हाँ डैडी, हम सब हिंदुस्तान जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे डैडी? हाँ, हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ है, हमारे देश में सब कुछ है, हमारे देश में। डैडी, कोई जिंदा नहीं बचा। वेरी क्लेवर गाई। बट कालीचरण, मैंने सुना है कि तुम्हारी गवर्नमेंट बड़ी सख्त हो गई है, चरस की स्मगलिंग के खिलाफ एक स्पेशल स्क्वाड बनाया है। इसकी तुम फिक्र ना करो शेख, मैंने जो प्लान बनाया है वो सारी दुनिया देखती रह जाएगी। उसमें सिर्फ एक लड़की की मदद की जरूरत है, और लड़की भी मैंने देख ली है, अब जरा उसको फांसना है। ये लड़की हमारे दोनों काम आएगी। श्योर श्योर। इस ब्यूटी, ये है कौन? थिएटर की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस? लेकिन ये हमारा काम करेगी? करना ही पड़ेगा, उसकी एक दुखती रग मेरे।
शायद अपनी सूरत ही ऐसी है। सूरत से तो आप स्मगलर तो नहीं लगते हैं, लेकिन लगते हैं किसी सर्कस में काम करते हैं। आपको जोकर लगता हूँ मैं? जोकर भी लगते हैं और चोर भी। अन्नी ये खाने का कच बटर, ये गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलानी क्यों है? ए पागलवान है, जरा कुड़िया मुंडिया नु इश्क मुश्क कर लेने दे। क्यों बाबू जी, कुड़ी फंस गई है रफ्ता रफ्ता। और की गल कर रहे हो सरदार जी, नेड़े नेड़े क्यों बैठे हो? साडी गल मनो ते घर जाके जफिया मारो, ए ते म्युनिसिपैलिटी दी सड़क है। सॉरी सरदार जी। जाओ जाओ। सरदार जी ने ठीक ही कहा था ना जी, यहाँ के बजाय घर चलते हैं। अरे आप मेरे पिताजी से तो मिलके जाइए। पिताजी से? अरे डरिए मत, वो कुछ नहीं कहेंगे, आपसे मिलकर खुश होंगे। बड़ी देर कर दी बैठी, मैं तो परेशान हो गया था। बाबू जी से मिली मिस्टर सूरज, इन्होंने मुझे आज बहुत से बताया। अरे कहीं चोट वोट तो नहीं आई तुम्हें? चोट मुझे नहीं आई, इनके कंधे पे जख्म आया। अरे जितने बैठे खड़े क्यों हो, बैठो आओ बैठो। भगवान तुम्हें सुखी रखे बैठे, आज तुमने अब आपकी बेटी की लाज रखी। जी ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि आपकी बेटी खुद बहुत बहादुर है, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। बाबू जी आप इनसे बात कीजिए, मैं इनके लिए दूध लाती हूँ। सुनिए आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। जरूरत है, इतना खून बहा है, पीना पड़ेगा। मुझे पीना ही पड़ेगा, उसने कह लिया ना बस। क्या बात है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया था? बेटे मैं सर्कस में ट्रेपीज पे काम किया करता था, एक्सीडेंट हो गया एक दिन। दीदी दीदी आपके दोस्त है? हाँ। बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पसंद है? बहुत। अब देखो ना, अपने थिएटर ग्रुप के साथ विलायत जाने की जिद कर रही है और मेरा दिल नहीं मान रहा। आप तो बेकार में दिल छोटा कर रहे हैं, मैं वहाँ जाकर ढेर सारे रुपये कमा कर लाऊंगी, आपको इलाज के लिए विलायत ले जाऊंगी, पुष्पा को एक अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊंगी। क्यों आपके ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जरूर जाना चाहिए, इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली लड़की तो दुनिया के किसी कोने में भी जा सकती है। करेक्ट, सुन लिया बाबूजी? अच्छा 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 जी, मैं इजाजत चाहूंगा, कभी कभी आते रहता। जय नमस। जीते रहो। ओके बाय बाय। आप फिर जी? कुछ नहीं। क्या जी? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। हेलो, तुम आ गए? अरे मुझे मालूम था तुम यही मिलोगे। कौन है आप? नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, अरे हाथ तो मिलाओ यार।
क्या कर रहे हैं आप? तुम गिरफ्तार किए जाते हो। किस जुर्म में? स्मगलिंग के जुर्म में। स्मगलिंग? हाँ। What do you mean? पुलिस को शक है कि तुम कालीचरण के आदमी हो और उसके साथ मिलकर स्मगलिंग करते हो। ये झूठ है। झूठ हो या सच, तुम्हारे नाम गिरफ्तारी का ऑर्डर निकल चुका है। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे बड़े साहब के पास। ले जाओ ले जाओ। What the hell these people? Congratulations, Mr. Gong. Thank you, Mr. Rustam. Now let's start. Okay? Okay. Right? Ha! Right? Ha! Right? Right? One, two, right? Ha! Now we go. Arey, Rustam! Arey, main rahi hu. Ajay, jaldi aa ja. Oh, Mr. Gong, coming. Just coming, 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 coming. In a minute, don't you bother coming. Mr. Rustam. मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, तुम अपना पेच कस के रखो। मिस्टर गोम, हमसे भूल हो गया, तुम बिल्लाता काय को है, ये कस लिया। रेडी गो। माफ कीजिए, मजबूरन हमें थोड़ी ज्यादती करनी पड़ी। दरअसल हम आपके और आपके सेठ कालीचरण के धंधे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अगर आप सच सच बता दें तो हम आपको सरकारी गवाह बना सकते हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, स्मगलिंग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप सच कहते हैं तो अपना बयान लिखवा दीजिए, हम उसकी तफ्तीश करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इन्हें ले जाओ और बयान लिख लो। यस सर। सब आदमी निकम्मे निकले, जाओ शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, जहां भी वो सांप का बच्चा मिले उसका सर कुचल दो। याद रखो, उसकी जिंदगी हमारी मौत है, वो हमें तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। हमने पूरी छानबीन कर ली है, आपका बयान बिल्कुल सही है, आपको तकलीफ हुई इसके लिए माफी चाहते हैं। ओह इट्स ऑल राइट सर, ये आपकी ड्यूटी थी। यंग मैन, हमें अफसोस है, कालीचरण इतना चालाक और बड़ा आदमी है, आई एम अफ्रेड कानूनी तौर पर तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। साहब, अगर कानून कुछ मदद नहीं कर सकता तो भगवान ने इन बाजों में इतनी ताकत इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना हिसाब खुद चुका लूंगा। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम वाकई हिसाब चुकाना चाहते हो तो मैं अपनी ऑफर फिर दोहराता हूं, तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। आपका मतलब पुलिस में? हाँ, हमें तुम जैसे ईमानदार और बहादुर नौजवानों की जरूरत है। कालीचरण सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं, इस देश का भी दुश्मन है। हर स्मगलर देश का गद्दार होता है, और चरस का स्मगलर अपने देश का ही नहीं सारी इंसानियत का दुश्मन होता है। ये लोग नशे के जाल में फंसकर इंसान की आने वाले नस्लों को तबाह कर रहे हैं। आज तुम अकेले हो, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो तुम्हारे पीछे इंटरनेशनल पुलिस की सारी ताकत होगी, जिसकी मदद से तुम न सिर्फ कालीचरण को खत्म कर सकोगे बल्कि चरस की स्मगलिंग को भी, ताकि करोड़ों नौजवान इस नशे के कुएं में गिरने से बच जाए। तुम्हें जितनी हिम्मत और दिलेरी दी है उसे एक आदमी की दुश्मनी में जाया करने के बजाय अगर इसे इंसानियत की सेवा में लगा दो तो दुनिया के लाखों नौजवानों का जीवन तबाही से बच सकता है। और इस काम में हमारी मदद करो। मुझे मंजूर है। नाचेगी तो जरूर नाचेगी। नहीं प्लीज। नो, तुम्हें नाचना होगा। शरीफ लड़के हूं, शराफत से इस दुनिया में पेट नहीं भरता। हमने तुम पर पैसा खर्चा है, तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। लेकिन मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने कपड़े बदलती हो या मैं? थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसे अभी तैयार करूंगा। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर इसे क्लब में भेज देना, लोग इंतजार कर रहे हैं इसका। जाएंगे, अगर ये लड़की अब भी आना नहीं करे तो अपने तरीके से ले आना इसे। देखो, अगर तुम्हें इनसे बचना है तो इनका कहना मान लो, वरना ये कुत्ते तुम्हारी बोटी बोटी नोच लेंगे। मुझे मर जाने दिलेला, मैं मर जाना चाहती हूँ। तुम इनकी मर्जी के बगैर मर भी नहीं सकती। तो फिर क्या करूँ? जो मैं करती हूँ। देखो, शर्म वरम छोड़ो, जो ये कहते हैं करती जाओ। जब हमें यहीं रहना है तो जैसी भी हो जिंदगी आराम से तो कटे। अरे तुम्हारा बदन तो गर्म है, तुम थोड़ी सी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, इससे क्या होगा,
इसके पीने के बाद भी दिल का दर्द तो कम नहीं होता। किसी को शिवा भी नहीं हो सकता कि इसमें चरस भर दी गई। चलो सुधा, अब तुम्हारे पिताजी ने खाना भी खा लिया। हाँ। क्या चरस हमेशा इसी तरह भेजी जाती है? नहीं, हर दफा कोई नया तरीका इस्तेमाल किया जाता है।
कस्टम वालों की निगाहें बहुत तेज होती हैं, वो लोग बहुत होशियार होते हैं और तुमको उनसे ज्यादा होशियार रहना है। आई एम श्योर यू विल डू द जॉब। खतरे तो जरूर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम जैसी मशहूर और मरूफ एक्ट्रेस पर कोई शुभा भी करे। और फिर वैसे तुम्हारी मदद के लिए हमारे वहां बहुत से आदमी होंगे। अब देखें तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं। देखो कितने खुश हैं ये लोग यहां। दो चार दिन में तुम यूरोप चली जाओगी, उसके बाद ये लोग बड़े इत्मीनान से रहेंगे यहां। नहीं नहीं, ये लोग यहां नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये लोग यहां से जा भी नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारे वापस आने तक ये लोग हमारे मेहमान रहेंगे, हम इन्हें बड़े आराम से रखेंगे। ये तो साफ ब्लैकमेल है। ओह नो नो नो, ब्लैकमेल कहकर ईमानदारी के इस सौदे को बदनाम न करो। देखो हमारा करोड़ों रुपए का माल तुम्हारे हाथ में होगा, अगर तुम्हारी नीयत जरा सी भी खराब हो जाए तो हम जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो सकते हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ गारंटी तो होनी चाहिए। लेकिन मैं पिताजी को पिताजी को समझाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है, कोई खूबसूरत सा बहाना बना देना, आखिर तुम एक्ट्रेस हो। मिस्टर वाटसन, मैं चाहता हूं कि सुधा के साथ एक साधु के भेष में तुम भी सफर करो और तुम्हारे साथ 1,00,000 रुपए की चर्च हुई। 1,00,000 की चर्च? वो क्यों? मैं नहीं चाहता कि इस प्लान में कोई लूप होल रह जाए। अगर पुलिस को जरा सा भी शुबा हो या हमारा कोई आदमी गद्दारी करे तो तुम अपने आप को चरस के साथ पकड़वा देना, ताकि पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाए और सुधा आसानी से निकल जाए। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, यू हैव डन वेल। थैंक यू सर। ये पिस्टल आज से तुम्हें कानून की हिफाजत के लिए दिया जाता है। थैंक यू सर। यूज इट विद दिस क्वेश्चन माय बॉय। यस ओके, पुट हिम ऑन। इट्स 4-2 डेवलपमेंट रिपोर्टिंग सर। अपना कोड बताओ। नीला घोड़ा। ओके स्पीक 4-2-1। सर मुझे पक्की खबर मिली है कि सेठ कालीचरण के आदमी 4,00,000 की चरस शनिचर के रोज कहीं बाहर से शहर में ला रहे हैं। पूरा माल रुई से भरे हुए ट्रक में होगा। गुड, उन्हें कहां पर ट्रैप किया जाए? बंबई से 20 मील 2 फरलांग पर एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, जहां पर अक्सर ट्रक वाले आकर प्रसाद चढ़ाया करते हैं। मैं वहां पर साधु के वेश में बैठा रहूंगा और जिस ट्रक की तरफ इशारा करूं उसी में माल होगा। इट्स ऑल राइट। ओके लो, तुम्हारी पहली ड्यूटी भी आ गई। आई एम रेडी सर। गुड लक। वेरी वेल डन। अब हम शनिचर की शाम को एक ट्रक भेज देंगे, उसमें कुछ चरस होगी, वो तुम पकड़वा देना। लेकिन तुम्हारा असली काम ये होगा कि पुलिस और इंटरपोल को वहां उस वक्त तक उलझाए रखना जब तक हवाई जहाज से हमारा असली माल हिंदुस्तान के बाहर ना निकल जाए। ऑल राइट बॉस, मगर जिस हवाई जहाज से आपका माल बाहर जा रहा है वो कितने बजे जाता है? शाम के 4:30 बजे। और कौन लेके जा रहा है? एक साधु। लेकिन आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि जो कुछ बताया जाए वो सुन लिया करो, अपनी तरफ से कोई सवाल ना करो। आई एम सॉरी बॉस। इट्स ऑल राइट। ये लो, काम होने पर इतना ही माल और भी मिल जाएगा। ओके यू कैन गो नाउ। नंबर 10। यस बस। मैं चाहता हूं कि उस दिन छुपकर तुम दूर से इस पर नजर रखो, आजकल ये कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लगा है। राइट बस। जय 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 हनुमान को साई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान को साई। कब तक आएगा गोसाई? आएगा अभी आने वाला, करो कुछ देर तो भाई। हनुमान को साई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अरे जय 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 हनुमान को साई। अरे कहाँ जात हो तुम गोसाई? लघु शंका को जात है भाई। एक तारे का काम वहाँ क्या? बिन संगीत न कछु है सुहाई। ओके कट इट आउट, गेट मी वाइट एलिफेंट। ओके सर। हेलो वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट ऑन द लाइन सर। वाइट एलिफेंट टाइगर हियर।
एवरीथिंग इज ओके, तुम एयरपोर्ट पर अपना काम शुरू करो। मैडम, ये सब सामान आपका है? सब हमारे स्टेज का सामान है, यूरोप हम शो करने जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये सब सामान हमको खोलकर चेक करना पड़ेगा। देखिए, अल्लाह बिगड़े काम बना दे, दुश्मन का तू पता बता दे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सच्चे का बोल है बाला, अरे बुरे का मुंह है काला। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुम्हारे हनुमत बलबीरा। अल्लाह तो रो नाम, ईश्वर तो रो। आप मुझे बस मारिए साहब, मैं भी बताता हूँ। यो शॉट मी, कौन था वो? कौन था? मैं तुम्हारा एक काम कर रहा था, तुमने मुझे गोली मार दी। कौन था? कौन था वो? साहब साहब साहब, चरस यहाँ नहीं है। चरस कहाँ है? चरस कहाँ है? कहाँ चरस, कौन ले जाए? चरस वहाँ है साहब। पानी, जल्दी पानी लो। यस, इसमें असली जोर भी है? जी नहीं, ये सब नकली है। इस बार किशोर का सामान है? जी हाँ, ये सब हमारा स्टेज का सामान है। अंदर से खाली मालूम पड़ता है। ये ऐसे बनते हैं, प्लाईवुड के हैं। होश में आओ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ साहब, साहब 5 करोड़ की चरस। एयरपोर्ट पर कौन ले जा रहा है? एक साधु। साधु, बोलो जल्दी बोलो। 4 बजे। हाँ 4 बजे, बोलो। एक हवाई जहाज से जा रही है। यहाँ हमारे साथ धोखा हो गया है। 4 बजे एयरपोर्ट से 5 करोड़ की चरस बाहर जा रही है। स्टॉप दैट इमीडिएटली प्लीज। ऑपरेटर, मुझे एयरपोर्ट कंट्रोल ऑफिस से मिलाओ जल्दी। 4 बजे कौन सा इंटरनेशनल फ्लाइट जा रहा है, उसे रोको। देखो, एयर इंडिया की एक फ्लाइट थोड़ी देर में जाने वाली है, जो उस जहाज को दुबई एयरपोर्ट में पकड़ सकती है। तुम दुबई से उस जहाज में बैठना और उस साधु को फॉलो करना। हेलो, एयर इंडिया फ्लाइट 4116 से एक सीट बुक करो। ऑन बिहाफ ऑफ कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू, वी वेलकम अबोर्ड द पैसेंजर्स जॉइनिंग अस फ्रॉम दुबई। आवर नेक्स्ट स्टॉप विल बी बेरूत, and it would take us 2 hours 45 minutes to reach there. बीबी जी, मैं सीट खाली है ना जी? सीट तो वहां भी खाली है। वो जो पैसेंजर कोई खास नहीं, अगर बुरा ना मना तो मैं इतनी बैठ जाना। और जी थक जाएगी, रख लीजिए रख लीजिए। अरे ये क्या बदतमीजी, न जानने पहचान हाथ पकड़ते हूँ। अजी आप हमको नहीं जानते, लेकिन हम आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आप है ना वो बहुत मशहूर एक्ट्रेस सुधा रानी, वहाँ तो हम तो बहुत दूर से देखते हैं आपको, लेकिन आज हमारे भाग खुल गया, आपको बहुत करीब से देख लिया। एक वो देंगी, वो फोटोग्राफ। क्या? वो क्या फोटो पे तो फोटोग्राफ देते हैं ना। लिसन, आई वांट टू चेंज मैसेज। I'm sorry, madam. You can change your seat after takeoff. Would you fasten your seatbelt now, please? You too, sir. माफ करना जी, आपके नीचे मेरी पेटी है। मिल गई जी, मिल गई।
बहुत नाराज हैं आप हमसे? नाराज तो हमको होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब भी आप मिलती हैं कोई ना कोई इल्जाम लगा देती हैं हम पर। कभी कहती हैं जोकर, कभी स्मगलर, कभी कुछ, आज बदतमीज कह दिया। हम ही सीट बदल लेते हैं। सूरज, सत श्री अकाल जी। मैडम, यू वांटेड टू चेंज योर सीट? नो नो, इट्स ओके। नहीं जी, बस ठीक है, अब मामला ठीक हो गया, अब यहीं बैठेंगे। सूरज, ये क्या भेस बदल रखा है? सुधा, तुम जानती हो ना बंबई में कितने दुश्मन हैं, इसलिए भेस बदल कर इतना बड़ा। तुम तो टूर पर जा रही हो ना यूरोप? और तुम? मैं कपड़े की मिल में एजेंट हो गया हूँ, एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स बुक करने जा रहा हूँ माल्टा। माल्टा? मैं भी वहीं जा रही हूँ। माल्टा जा रही है? अरे वेरी गुड। तुमने तो उसके बाद याद भी नहीं किया होगा ना? तुमने याद किया था? बबली याद किया करती थी और पिताजी कहते थे। क्या कहे? लड़का बहुत अच्छा है। और तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों? Arrival in Malta of Boeing flight number 182 from Hong Kong, Singapore, Bombay, Dubai, and Cairo. Passengers are requested to check their health plans and get their passport stamped in the customs code. Thank you. Thank you. सामान कब आएगा? बहुत जल्दी है। मैं किसी ऑफिसर से पूछ के बताता हूँ। When is the next flight for London? Tomorrow. Inspector Harbhajan Singh from India. And after that? Welcome to Malta, sir. वो जो योगी आ रहा है, माल उसके पास। लेकिन तुम्हारे इतना सामान आया बॉम्बे से, ये ताजमहल etc etc। इसमें मेरे ख्याल में कुछ नहीं सर, ये हिंदुस्तान के एक डांसर है, यहाँ अपने ट्रिप के साथ आई है। That's okay. लेकिन जितना भी सामान बॉम्बे से आया है उसको सब चेक करना चाहिए। मैडम, I have a message for you. Somebody is waiting outside. What is it? Message क्या है? देखो, मेरी पहले सोटल में बुकिंग हो गई है। Very good. फिर तो वो लोग तुम्हें लेने आए होंगे। एक काम करो, तुम्हारा सामान आया तुम चली चलो। तुम नहीं आ गए? मेरा तो देखो वो कपड़ों के सैंपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस, बहुत सा झंझट है, मैं बाद में आऊंगा। I'll see you in the hotel. Okay? Bye bye. Only the Bombay passengers will be checked. The rest may take their luggage and go. Excuse me, are you from Bombay? Yes. And bring the other luggage quickly. See, there is nothing. Ma'am, we have to check everything. I'm very sorry. Yes. Yes, yes. We have to check it. Why check a luggage office, Adu? Oh, there is nothing in it. Box. We have to check everybody's luggage. Check his luggage very carefully. Jack! Hands up! You get out! Sir, it is dangerous to stay here. Please hurry up, get out! Boys, take those things out, quick! Adandi! रुक जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो। लाइन में खड़े हो जाओ। Ask your men to throw their guns. Throw down your guns. वो सारा सामान जो है अपनी ट्रक में ला दो। Come मैडम, अरे मैडम, आप पहले होटल जाइए, वहां जाकर एक्ट्रेसों की तरह रहिए और हमें कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, वक्त पड़ने पर हम आपसे मिलेंगे। ड्राइवर, ड्राइव ऑन। If anybody tries to play mischief, I will shoot him. Ask your man to take my baggage out. Take his baggage out. Catch him alive! Take him away! I'm telling you. ये सारा माल मेरा है,
मुझे जस पीने का शौक है, अपने पीने के लिए माल लाया हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा, किसी ने नहीं। सच सच बता दो वरना सख्त सजा दी जाएगी, बोलो। एक साधु को सताओगे तो भगवान भी बदला लेगा। कोई फायदा नहीं सर, ये कालीचरण का खास आदमी है, हमें कुछ नहीं बताएगा। हमीद, सवाल ये है, चरस यूरोप पहुंची या नहीं? ऑफ कोर्स, चरस तो वहां पहुंच गई है, क्योंकि मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि कालीचरण एक दो दिन में यूरोप जाने वाला है। तो कालीचरण को वहीं अरेस्ट कर लो। नो सर, मेरे ख्याल में कालीचरण को आने देना चाहिए, वो वहीं जाएगा जहां चरस जाएगी, इस तरह हम उसे फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक यू आर राइट सूरज, डिड यू गेट दैट हमीद? आई एग्री, अच्छी चाल है। कालीचरण जैसे बंबई से निकलेगा मैं आपको खबर दूंगा। ओके, वेरी गुड हमीद, ओवर एंड आउट। सो आज से तुम दोनों को कालीचरण पर नजर रखनी होगी, ताकि वो जैसे यूरोप के लिए निकले हम उसका पीछा कर सकें। यस सर। सूरज, हमने आपके लिए होटल हिल्टन में इंतजाम किया है। हिल्टन क्यों सर? वो मैंने सुना है पैलेस होटल काफी अच्छा है। क्यों, क्या वो एक्ट्रेस वहां ठहरी है? जी हाँ, वो ठहरी तो वही है, लेकिन ये बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, इट विल बी द पैलेस फॉर यू। ओह थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर। Can I disturb you, madam? शाम तक कहाँ थे? अपनी मिल के लिए ऑर्डर्स बुक कर रहा था। दुकानदारी कर रहे थे? अब देखो विम साहब, आपकी तरह स्टार तो नहीं हूँ कि इतने बड़े होटल में रहने को मिले, घूमने के लिए गाड़ी मिले, हमें तो ऐसे होटल में रहने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। आ गए ना फिर तानों पर? I'm sorry, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम मजाक ही करते हो या मेरी तरह सीरियस भी हो। आर यू सीरियस? रियली? यस। पर इस बात का सबूत क्या है? जब लड़की हर वक्त किसी के बारे में सोचती रहती है, उसका इंतजार करती रहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सुधा, ये तो सब अंदर की बातें हैं, नजर नहीं आती। सबूत तो वो जो नजर आ जाए। क्या सबूत चाहते हैं? सबूत शर्म नहीं आती? चलो यहां से। इसे कहते हैं सीरियस लव, तुम सबूत दे सकती हो? फिर वही बात, हिंदुस्तानी लड़कियां ये सबूत शादी के बाद दे सकती हैं। तो फिर हिंदुस्तानी लड़कियां शादी से पहले क्या कर सकती हैं? बातें कर सकती हैं, घूम सकती हैं। गुड आइडिया, एक काम करते हैं, बोट लेते हैं और समुद्र दूर दूर तक चले जाते हैं। इस वक्त सुबह चलेंगे। डर लगता है मुझसे? तुमसे नहीं, अपने आप से डर लगता है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, चलो चल के सो जाते हैं। शादी से पहले अपने अपने कमरे में। ठीक है। सूरज प्लीज, इस वक्त तुम मेरे कमरे में आओगे तो लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हारे कमरे में कहा? मेरा कमरा तो ये रहा 304, तुम्हारे सामने। मेरे सामने? अच्छा तो जाके अपने कमरे में सो जा, सुबह बोटिंग में जाएंगे। ओके, गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट। कल की हंसी मुलाकात के लिए, चलो सो जाते हैं।
आप नींद नहीं क्या आई, नींद मेरी आपने चुराई, मैं तो नहीं सोई, आधी रात हुई, आपको हुआ क्या खास वजह कोई, अकेले में हम घबरा गए, चल गए थे फिर आ गए, तो माफ करना इस बात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। छोटी मुलाकातें भूल गया था मैं दो चार बातें, बातों से ना दे अपने भरे, आँखों में कई सपने भरे, तो सपनों की इस बार रात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। मैं ये नहीं जाना हमसे शर्म का क्या है बहाना, देखो पहले हम थे अजनबी, हो गई मगर अब दोस्ती, बदले हुए हालात के लिए, हाँ के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते का सवाल है, 2000 रुपए का सवाल है। अरे लगता है जाने की तैयारी हो रही है, हेडक्वार्टर को फोन। हेलो हेलो हेडक्वार्टर, हेलो कालीचरण निकला क्या? जाने की तैयारी हो रही है। अरे खुदा के नाम से कालीचरण आने वाला है, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे। अरे ए, तुम यहाँ भीख मांगता है? हाँ, मांगता। तुम्हें पता नहीं बम्बई में भीख मांगना मना है? नहीं, हमको नहीं मांगना। बॉम्बे में सब भिखारी पकड़े जा रहे हैं, तुम यहाँ नया हो क्या? हाँ, हम कानपुर से आए, बनारस से। ओह बनारस से आए हो, पांडू बोलो साहब है ना, हाथ घाल बड़ा चलाओ, बर्बाद हो जाओगे, सत्यानाश हो जाएगा, नहीं पहचाना ये कौन है? अरे मैं सबको जानता हूँ, 25 साल से हवलदारों को झक नहीं मानो, पांडो अलग। अरे ये बाल ब्रह्मचारी है, मत बता मेरा राज मत खोल, नहीं तो सारे संसारी मुझे परेशान करेंगे। दोनों का कल्याण करो। अरे क्या कल्याण करो, इसकी माथे की लकीरें बताती है कि ये बहुत परेशान है प्राणी, इसकी स्त्री बहुत गर्म मिजाज है, इससे रोज झगड़ा करती है। अरे इसको कैसे मालूम? इनको सब कुछ मालूम है, त्रिकालदर्शी है। एक बुरी खबर सुन। सुनाओ। इसी महीने की 16 तारीख को तेरी गरम मिजाज स्त्री मर जाएगी। मर जाएगी मेरी स्त्री? अरे महाराज तुम्हारा भला, मैं तुम्हारे लिए पड़े लड्डू जलेबी सब। महाराज मेरे माथे की रेखा देखकर बोलिए मेरी धर्मपत्नी कब मरेगी।
तुम्हारी स्त्री ऐसे आसानी से नहीं मर सकती, उसके लिए हमें उपाय करना पड़ेगा बच्चा। क्या उपाय है महाराज? 2 किलो मोबिल आए, 1 बकरा। हाँ। मूछ लटक रही है। लटकने दो साले को, अरे जो जैसे कर्म करेगा वो तो लटकेगा ही। हाँ, अभी तुम भी लटकोगे महाराज। पांडु अंदर, ये क्या है? ये क्या है? मूछ है, जल्दी चल पंच। हम लोग मालूम है आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? सब गड़बड़ कर दिया। हम लोग बोल कर उस आदमी के पीछे कर रहे थे, ये देखो। सॉरी सर, हेडक्वार्टर को कॉन्टैक्ट करो जल्दी। हेलो हेलो हेलो, हेडक्वार्टर सर, कालीचरण अभी अभी यहाँ से निकल गया, एयरपोर्ट की तरफ जा रहा। ठीक है, तुम भी सीधे एयरपोर्ट पहुँच जाओ, वहाँ तुम्हारा पूरा इंतजाम है, किसी भी ओपन फ्लाइट का टिकट और सफर का सारा सामान तुम्हें मिल जाएगा। ओके सर। पांडू मला हाथ घाल। What? Speak loudly, please. कालीचरण आज रात को फ्लाइट 402 से चला गया है, उसके पास माल्टा का टिकट है, मेरे 2 आदमी भी उसी जहाज में सफर कर रहे हैं, वो आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे, उनका कोड है टोक्यो टावर, टोक्यो टावर। हेलो सूरज, हमीद ने अभी बॉम्बे से खबर दी है कि कालीचरण माल्टा के लिए रवाना हो गया, उसका प्लेन सुबह 8 बजे पहुंचेगा। आई वॉन्ट यू देयर। मैं पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट। ओके। अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर नाउ क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन एंड विद इन 45 मिनट्स वी शैल बी लैंडिंग एट माल्टा एयरपोर्ट। Local time is 7:45 a.m. Inside temperature in Malta is 29 degrees centigrade and the weather is... क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं, रात को वादा किया था ना कि सुबह बोट में जाएंगे। अरे हाँ, मैं भूल गया। इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर तुम्हारे कमरे में गई, मेड ने बताया कि तुम अभी भी बाहर गए हो, तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक भाग के आई, ये क्या हरकत है? ये हरकत नहीं सुधा, मजबूरी है नौकरी की। मजबूरी? क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा था ना मैं एक मिल में एजेंट हूँ, कल रात को उसका मालिक यहाँ आ गया, रात सुबह ही मुझे बुला लिया। किसी बहाने टाल दो। कैसे टाल दूं? आदमी प्यार करे तो नौकरी वाकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन नौकरी में हुक्म टालना बहुत मुश्किल है। और जिससे प्यार का दावा करता है उसकी बात का कोई मोल नहीं है सुधा, लेकिन प्यार की तरह नौकरी भी जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाए। चली जाए, ऐसी नौकरी को छोड़ ही दो। मुझे समझने की कोशिश करो तुम। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुधा, तुम इस तरह जिद करोगी तो मैं सीरियस हो जाऊंगा। हो जाओ। सुधा प्लीज मुझे जाने दो सच्ची, मैं जल्दी लौटूंगा ना, प्लीज। छोड़ के
Sorry, sir, I'm a bit late. No problem, Suraj. Uska jahaz abhi land kiya. That man in cream suit is Kali Charan. इस वक्त हेलीकॉप्टर टाइगर हिल से गुजर रहा है सर, हेलीकॉप्टर विलाटा से भी आगे निकल गया है। अब हेलीकॉप्टर मदीना पार कर रहा है सर, हेलीकॉप्टर इस वक्त ब्लू लेक क्रॉस कर रहा है सर। सर, हेलीकॉप्टर लॉन्ग बीच पे उतर गया है। लॉन्ग बीच, वहां एक बहुत मशहूर नाइट क्लब है, हो सकता है उनका अड्डा वहीं पर हो। क्यों ना रुस्तम और गोम्स को स्पाइंग के लिए भेज दिया जाए। रुस्तम, गोम्स, तुम दोनों आज ही रात को उस नाइट क्लब में जाओ एंड ब्रिंग मी बैक अ फुल रिपोर्ट। यस सर। Yeah.
गम है, गम है, गम है, 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 है। हम यहाँ मेहरबान चरस्ता नहीं है ये धुआँ, मेहरबान चरस्ता नहीं है, चरस्ता नहीं है। इस जगह पर खिलेगी अपने दिल की कली भी इस जगह पर खिलेगी। यही वो गली है यहीं पे मिलेगी, यही वो गली है यहीं पे मिलेगी। दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, फिर तो उधर ही होगा। ओहो यहाँ तो कई रास्ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता किधर जाएं। कौन हो तुम लोग? हम चरसी। हाँ? क्या कर रहे हैं? हम लोग ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे? बाथरूम। बाथरूम? हाँ। बाथरूम ढूंढ रहे ना? हाँ, बहुत जोर से आ रहा है। जोर से? हाँ। लेडीज है। हाँ, जाती हूँ, लौटती की। हाँ। और अपने हाथ उधर तक। था ना कि चरस का गोदाम इधर नहीं पीछे। Come on, come on, hurry up. We haven't got all day. Come on. You're wasting too much bloody time. Hurry up. Run to बक्से नीचे. माल का नमूना दिखाने के लिए सिर्फ दो बक्से मंगवा. Good, good. Robert, दोनों बक्से खोलकर साहब को नमूना दिखा. Yes. 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 शेख, आप भी देखेंगे कि क्या माल है. Sure. लीजिए. Wow. Ha 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 ha
रॉबर्ट दूसरा बक्सा भी खोलो। रॉबर्ट इट्स ओके इट्स ऑलराइट, हमें काले चरण पे भरोसा है। शेख अब ये बताओ कि डिलीवरी आप कब और कहाँ लोगे? ओ काले चरण, माल्टा से माल बाहर करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रॉबर्ट आज आधी रात से पहले ये सारे बक्से अपने खुफिया जजीरे पर पहुंच। ये माल गोदाम के अंदर डाल दो और ताले लगवा दो, आज रात को माल जाएगा यहाँ से। हरी अप, कम ऑन मूव इट। जल्दी से ट्रांसमिटर निकालो पहले। ठीक है, ला ला। हेलो 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 हेलो, कॉलिंग टोक्यो टावर, कॉलिंग टोक्यो टावर, टोक्यो टावर स्पीकिंग, टोक्यो टावर स्पीकिंग। सर हमने काली चरण को ढूंढ लिया है, इस वक्त सब लोग ला बेला नाइट क्लब में हैं, सारी चरस भी यहीं पर है सर। वेरी गुड, सारी चरस यहाँ से निकाल दी जाएगी, आप उससे पहले हमला कर दीजिए सर। ठीक है, हम आधी रात से पहले अटैक करेंगे। ओके सर, ओवर। बारह करोड़ पचास लाख होते हैं, ये माल आप हमारे अकाउंट में जमा करवा दीजिए और अपने माल की डिलीवरी आइलैंड पे ले लीजिए। ओह दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, मगर काली शरण इस माल के साथ साथ। रॉबर्ट जरा सुधा को टेलीफोन करना, उनसे कहना कि हमारे दोस्त उनकी सूरत देखना चाहते हैं। प्लीज इफ यू डोंट माइंड। आई डोंट माइंड बट इट्स योर प्रॉब्लम। आई डोंट वरी। तुम झूठे वादे करते हो, तुम्हारा कोई एतबार नहीं। तुम ऊपर से बात करोगे सुधा, जरा अपने दिल से पूछो वो क्या कहता है। दिल का क्या है, वो तो पागल है, जाने कितने सपने देखता है। कैसे सपने? यही कि मेरा काम खत्म होते ही मैं और तुम सारा यूरोप इकट्ठे घूमेंगे, वेनिस के कंडोलों में सैर करेंगे, वेरी गुड, स्विट्जरलैंड की झीलों और पहाड़ियों में गाने गाते फिरेंगे, है ना? मगर तुम्हें क्या, नौकरी से फुर्सत मिले तो प्यार के सपने देखो ना। सुधा प्यार एक पंछी है जो आसमान की बुलंदियों तक उड़ना चाहता है, मगर इंसान के फर्ज और मजबूरियां उसे धरती से दूर नहीं जाने देते। सूरज जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्यार के अलावा मेरी जिंदगी में और जो कुछ भी है सब पाप है। आई लव यू। सर देयर इज अ टेलीफोन कॉल फॉर यू, जस्ट कम इन। हेलो सूरज, तुम फौरन चले आओ, गोम्स और रुस्तम ने खबर दी है कि इस वक्त काली चरण और उसका सारा गैंग क्लब में मौजूद है, हमें अभी रेड करना पड़ेगा। मैडम मैसेज फॉर यू। ओके सुधा, सुना तुमने, मेरा बॉस भी अजीब सन की है, जब जी चाहता बुला लेते, अभी फोन आया कि जल्दी चले आओ। ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जाना है जाओ। फिर नाराज हो गई? अगर तुम मेरी मजबूरियां समझती तो कभी नाराज नहीं होती। जी चाहता है कि तुम्हें सब मजबूरियां बता दूं, लेकिन अभी जल्दी है, कल जरूर बता दूंगा। कल चर्च तो जाएंगे ना? डेफिनेट। एंड यू डिड इट। लीजिए, वो आ गई जिनका आपको इंतजार था। आओ सुधा आओ। सुभान अल्लाह, आइए सुभान अल्लाह। सुधा ये है हमारे दोस्त शेख अब्दुल सत्तार, यूरोप में हमारे माल के सबसे बड़े व्यापारी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अरे खुशी, खुशी तो नाम है तुमसे नजर मिलाने का। नजर मिलाना एक बहाना है दिल लगाना। वाह 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 वाह। सुधा शेख को शायरी का बड़ा शौक है, बात बात में शेर कहते हैं। पुलिस ने क्लब को चारों तरफ से घेर लिया। ओह नो काली चरण, अब क्या होगा? डोंट वरी शेख। रॉबर्ट सबसे पहला काम ये करो कि सारी चरस लेकर खुफिया रास्ते से निकल जाओ, और माइकल से कहना कि कस्टमर्स को वहीं छोड़ दो, अपने स्टाफ और लड़कियों को लेकर उसी रास्ते से निकल जाओ। हम जब तक पुलिस वालों को रोकते हैं ताकि तुम्हें निकलने का मौका मिले। ओके कोई अपनी जगह से नहीं है, कोई भागने नहीं पाए, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो। चरस कहाँ है बताओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। ये सूरज कहां से आ गया? Thank you.
कमन बॉयज कम ऑन हरी अप वो फास्ट ब्रेक में आगे वाले चलो जल्दी करो सारा मान और सब लोग चले गए यस सर दस पैदल कम 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 पुलिस गेट तक तो पहुंच चुकी है थोड़ी देर में यहां भी पहुंच जाएगी बेहतर है कि हम उनके रास्ते में छुपे हुए माइंस लगा दें ताकि वो जैसे ही यहां पहुंचेंगे टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाएंगे So this is where they escaped from. Robert, you also be careful. जरा सी भी गलती करोगे तो उड़ जाओगे सब लोग पीछे बैठो में इतना माल है कि मैं गाड़ी छोड़ नहीं सकता
सूरज, are you okay my boy? I'm okay sir. लेकिन वो कमीना मेरे हाथ से बचकर निकल गया। कोई बात नहीं, मगर सूरज तुम्हें इस तरह अकेले नहाते उस आदमी का पीछा नहीं करना चाहिए था, ये नादानी है। मैं जानता हूँ सर, लेकिन उसे देखकर। सूरज तुम्हें चोट लगी है, चलो अंदर चलते। सूरज तुम्हें इस वक्त अपनी जाती दुश्मनी को भूल जाना चाहिए और हर बात उस मिशन को सामने रखकर करनी चाहिए जिस मिशन पर तुम्हारे मुल्क और तुम्हारी कौम ने तुम्हें इतनी दूर भेजा है। मैं जानता हूँ सर, लेकिन उसे देखकर मेरा खून खौलने लगा था। उस जलील उस कमीने को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज ट्राई रूम नंबर 304 अगेन। अभी तक नहीं आए। मदर मेरी, निराश होकर तेरे पास आई हूँ, सबका आसरा तो तुम ही हो। मेरा प्यार कितना मजबूर है माँ, सब कुछ जानते हुए भी मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती और उनकी जान खतरे में है। देवी तू तो जानती है वो बेगुनाह है, उसके साथ इंसाफ कर माँ, उसके साथ इंसाफ कर। दिल इंसान का एक तराजू जो इंसाफ को तोले अपनी जगह पर, प्यार है कायम घर की अंबर डोले, सबसे बड़ा सच एक जगत में भेद अनेक जो खोले, प्रेम बिना जीवन सूना ये पागल प्रेम। तेरी याद
याद आई के आधा तेरी याद आई। जज्बात में आके मौके को हाथ से जाने न दे, तो उसे फोन कर, वो तुम्हें आके ले जाएगा। मगर अगर मगर क्या सोचती है, तेरे दिल में मेरी तरह इन लोगों के खिलाफ इंतकाम की आग नहीं भड़कती? आग मेरे दिल में तो एक ज्वालामुखी है लैला, जिसके दहकते शोरों में इन लोगों को जिंदा जला देने को जी चाहता है। तो फिर क्यों इंतजार करती है? यही मौका है ना सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने का, बल्कि उन सैकड़ों लड़कियों की जिन्हें उन्होंने बर्बाद कर रखा है। चल उसे चुपके से कहीं से फोन करके। चल चल उठ। Then the rest of the men down this. Yes. एक सूरज कुमार के लिए टेलीफोन है। मेरे लिए? कौन? कौन है? जी कोई लड़की बोल रही है। लड़की? मेरे लिए? वही तुम्हारी एक्ट्रेस होगी। Impossible. उसे कैसे मालूम मैं इंटरपोल में हूँ? हेलो हेलो भैया भैया कौन भैया मैं मुन्नी बोल रही हूँ। मुन्नी? कौन मुन्नी? जाने नहीं भैया, मैं तुम्हारी छोटी बहन मुन्नी बोल रही हूँ। लेकिन मेरी बहन तो आग में जल गई थी। मैं आग में नहीं जली भैया, मैं जिंदा हूँ। मुन्नी मुन्नी तुम जिंदा हो? भैया कहाँ हो तुम, कहाँ से बोल रही हो? कहाँ से? बताओ ना कहाँ से बोल रही हो तुम? भैया जल्दी बताओ। मुन्नी भैया भैया मैं कैसे बताऊँ कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ? मैं बहुत बुरे लोगों के बीच में फंस गई हूँ भैया। ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा के ले आए हैं। कौन है ये लोग? भैया ये कालीचरण के आदमी है। कालीचरण? हाँ भैया, कालीचरण बहुत बड़ा स्मगलर है। उसी ने हमारे घर को आग लगवाई थी। आज इस क्लब पे आपने पुलिस वालों के साथ छापा मारा था ना, हम लोग वहीं थे। तुम वहाँ थी मुन्नी? भैया भैया मुझे यहाँ से निकाल लो, यहाँ से बचा लो भैया, मुझे यहाँ से निकाल लो। हाँ मुन्नी मैं तुम्हें बचा ले जाऊंगा, लेकिन मुझे बता तो सही तुम कहो कहाँ। मैं अपनी एक सहेली की मदद से फोन कर रही हूँ। वो टाइगर ही लेना, उसके ऊपर जो खंडर है, शाम को 5 बजे मैं वहाँ आपका इंतजार करूंगी। सुनो भैया, वहाँ चारों तरफ उसके आदमी है, आप अकेले आना और छुप के आना, कोई भी पुलिस को साथ मत लाना, और अगर उनको पता चल गया तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे, और फिर भैया तुम अपनी बहन को कभी नहीं देख सकोगे। फिक्र मत करो मुन्नी, जहाँ भी हो मैं तुम्हें अकेले ले जाऊंगा।
पास हर कोई आ जाएगा। वो नहीं। शाबाश रॉबर्ट, क्या चाल चली है तुमने, वाह। ये तो सब लैला की एक्टिंग का कमाल है। वेल डन स्वीटहार्ट, इस काम के लिए तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। थैंक यू बॉस। मैं सूरज को लाकर आपके कदमों में तो डाल दूंगा, लेकिन उसकी मौत मेरी गोली से होगी, क्योंकि जो काम मेरी वजह से अधूरा रह चुका है उसे मैं ही पूरा करूं। शेर का मुकाबला करने आए थे ये खिलौना लेकर है? जिन्हें शेर कहलाने का शौक होता है वो मक्कार लोमड़ी की तरह छुप कर वार नहीं करता। जानता नहीं किससे बात कर रहा है तू, सर झुका के बात कर। जानता हूँ, एक जलील कुत्ते के सामने जिसके गुनाह मौत बनकर उसके सर पे मंडला रहे हैं। मैंने आज तक किसी इंसान को गुनाहों से मरते नहीं देखा, सिर्फ गोलियों से मरते देखा है। और जिस गोली में तुम्हारी मौत लिखी है वो इस बंदूक में बंद है। मैं तुम्हें इसी गोली से खत्म कर देता हूं, लेकिन मजबूर हूं, कालीचरण को जबान दे चुका हूं कि एक बार मरने से पहले तुम्हें जिंदा उसके सामने डाल दूंगा। ले चलो इसे। कैसी बातें करती है पगली, इतने दिनों के बाद मेरी बहन मिली है, मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। अपने आप को बचा लो भैया। Yeah!
अपनी जागने की ड्यूटी आ गई है। उठ, होने दे मुझे। इधर ही है। यार भूख लगी है, वो खाने की गोली खाने। वो मेरी जेब में, हाथ से निकाल ले। हाथ डालू? क्यों साले गुदगुदी क्यों करता है? अरे होने दे ना। उन्हें अकेले खाता है, तू भी खा। यार तू खाने की गोली लाए, दारू की गोली क्यों नहीं लाए? चुपचाप सो जा, अपन लोग ड्यूटी पर है। यार और एक बहुत जरूरी काम याद है। क्या? इधर मत करना, पकड़े जाएंगे साले। नहीं नहीं नहीं, आज हमारी हर बात ही उलट रही है। पहले शेख पकड़ा गया, फिर हमारा बेहतरीन दोस्त मारा गया, और सूरज अपनी बहन को निकाल ले जाने में कामयाब हो गया। अब हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। माइकल, ये सारी चरस बोट में लदवा कर अपने आदमियों के साथ तुम फौरन जजीरे पहुंच जाओ। ओके सर। और देखो तुम भी इनके साथ जाओ। जेंगो, शेख को जेल से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है और हमारे ही अड्डे पर पकड़ा गया है। उसे छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी। सर इसका इंतजाम हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारा आदमी है आज रात शेख को बाहर निकाल देगा। वेरी गुड। जेंगो तुम यहीं ठहरो और शेख को लेकर सीधा जजीरे पर आ जाओ। बाकी तमाम चीजें तैयार हैं? तमाम बोट्स वक्त पर रवाना हो जाएंगे। और हमारा बोट? वो अपनी जगह पर तैयार मिलेगा। वेरी गुड, अब तुम लोग जा सकते हो। मगर अगर मगर का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। चलो जाइए। ओके सर। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, आपकी चरस यहाँ तक ला दी, अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। नहीं, जब तक हमारी सारी चरस बिक नहीं जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकते। सर यहाँ से सामान निकाला जा रहा है, ये लोग किसी टापू पर जा रहे हैं। राइट। सर एक और खबर, पुलिस का कोई आदमी इनसे मिला हुआ है, ये लोग शेख को जेल से भगाने वाले। व्हाट? नो। हम कहां गए? अरे बाहर तो चल देखते हैं। चल। अबे यार बॉस माल्टा से क्या प्यारी प्यारी खूबसूरत लड़कियां लेकर आए, कोई हमें नहीं मिल सकती? हम गरीबों के पास तो सिर्फ खूबसूरत सपने ही रहते हैं डार्लिंग। चलो गम गलत करेंगे, चोरी का माल है। सवा घंटे बावर्ची की मालिश की है, तब जाके एक तंदूरी मुर्गी हाथ में आई है, समझे? ये ले, इसमें से दो गिलास निकाल, फटाफट। नहीं आता हाँ। भाई ये तेरा और ये मेरा। हाँ मैं दोनों भर देता हूँ। अब ले यार, ये और शराब स्टार्ट करो। अच्छा भाई आते आते एक लौंडिया को आग तो मारी थी। अरे गुड, अगर आ गई तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। इसी बात पे आए। अबे मेरी भी स्पीड है। अबे तेरी स्पीड फास्ट है, फास्ट मेरी। और निकाल, और निकाल। ठीक है, और निकाल लेता। मेरी स्पीड फास्ट बोलता। अबे मेरी भी मुर्गी खा गया साले। अबे उसकी स्पीड भी फास्ट होगी, उड़ गई होगी। उसको छोड़ कर तो ये बोले भी लड़की कभी आती है। अबे आएगी आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। तू हंसा क्या है? अबे लड़की लड़की बुलबुल बोला तो बांट के पीते है ना, और खाना भी बांट के खाते है ना। मैं बहुत थक गया हूँ।
थक गया हूँ। नहीं, थक गई हूँ। वफादारी में तुम धोखा दे गए, लेकिन तुम्हारी गद्दारी हमारे काम आ गई। जिस जगह की तलाश में पुलिस परेशान थी, अब तुम्हारी मेहरबानी से हमारा नकली शेख खुद वहां पहुंच जाएगा। नकली शेख? हाँ, असली शेख तो आप हैं। अब ले जाओ इन दोनों को, एक साथ तहखाने में बंद कर दो। ठीक है मोमिन। आइए आइए, जरा संभल कर। खुशामदीद खुशामदीद। शुक्रिया कालीचरण, तुमने हमारी जो मदद की हम कभी नहीं भूल सकते। ये तो मेरा फर्ज था हुजूर, बल्कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मेरी जगह पर आने की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। आई है तुम्हारी वजह से नहीं, लेकिन उन कमीनों की वजह से हमें बहुत तकलीफ हुई। लेकिन जब गले मिल गए तो सारा गिला जाता रहा। हम गले मिलने का इशारा समझ गए। वो काफिर हसीना आपका इंतजार कर रही है। क्या कहा? हसीना भी मौजूद है? जी हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हसीना के पहलू में अपनी थकान उतारिए और हम बोट में चरस लदवाते हैं। आधी रात को यहाँ से निकल चलेंगे। आधी रात क्यों कालीचरण? हाँ हाँ, हम बहुत थके हुए हैं। एक रात आराम करेंगे, इसके बाद जाने के लिए सोचेंगे। वैसे तो कोई बात नहीं हुजूर, लेकिन हमें डर इस बात का है कि कहीं पुलिस को हमारे इस अड्डे का भी पता न चल जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से जल्द अज जल्द निकल चले। बचाव? डर तो इस बात का है कि मेरा जानी दुश्मन सूरज कुमार भी पुलिस में शामिल हो गया। ठीक कहते हो। आइए आइए। Tokyo Tower, calling Tokyo Tower. Hello. What is it? What is it? Reporting, sir. तुम लोग? सर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं सर। Yes, sir. Come on, hurry up. Hurry, hurry. Hello, hello. Please speak 69. Please speak. 69-3 reporting, sir. Are you all right? Yes, sir. अभी तक तो सब ठीक है। गोमज़ और रुस्तम मेरे साथ। सर, ये जगह समंदर के बीच एक छोटा सा टापू है। माल्टा से साउथ ईस्ट 81, नॉर्थ ईस्ट 23, लैंडमार्क पहाड़ी के ऊपर एक ना रोमन किला। ये लोग आधी रात से पहले सामान लेकर इटली जाने की तैयारी कर रहे हैं। Don't worry, we'll be there.
और तुम लोग उनका निकलना जहां तक रोक सकते हो रोकने की पूरी कोशिश करो, सो दैट वी हैव एनफ टाइम। मैं उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा सर। उनके पास काफी हथियार हैं और लड़ने वाले करीब 50 आदमी होंगे। ओवा, मैं कालीचरण के पास रहूंगा और तुम लोग अलर्ट रहना। यस सर। व्हाट अबाउट द सीट टुनाइट? वी विल बी ब्रॉक इफ वी गॉट द वेदर रिपोर्ट। यस सर। राइट। एवरीथिंग। राइट, वेरी गुड। राइट, लेट्स मूव इट फास्ट। कम ऑन। ओनली मोर। ओनली गॉट 5 मिनट्स। लेट्स गो। इजी विद द मोटर, द इजी डज इट। डिड यू ब्रिंग द डायनामाइट यट? दैट्स राइट। मेक इट फास्ट। लीजिए, ये है ख्वाबगाह हुस्न। इस बंद दरवाजे के पीछे किसी का शबाब आपकी जवानी का इंतजार कर रहा है। शबाब और शराब। चाबी आपकी जेब में है। तो आज तक मुझे धोखा ही देती रही, बेवफाई, तेरा नाम औरत है। कौन है तुम? हम हैं शेख अब्दुल सत्तार। यहाँ क्यों आए? ये तुम्हारा कमरा नहीं है। बुलबुले हिंद, जिस शबिस्तान में शमा जलती है वहां हर परवाने को आने का हक है। आगे बढ़ोगे तो गोली मार दूंगी। गुलबतन, जाने मन क्या कातिलाना अंदाज है। हसीना के एक हाथ में जब पिस्तौल हो तो दूसरे हाथ में जाम होना बहुत जरूरी है। हम समझ गए आप हमें क्यों पसंद नहीं करती, इसलिए कि हम जरा लकड़ा के चलते हैं। बंद करो ये तमाशा, निकल जाइए। हमें जब न होंगे तो क्या रंग महफिल, किसे देख कर आप शर्माइए। दिल मिलाओ, छोड़ दो मुझे। दिल मिलाओ, आप दिल मिलाओ। ऐसी कितनी ही हिरनी ऐसी तरह दिल मिलाती रही लेकिन शेख के पंजे से बच नहीं पाई। मैं हिरनी नहीं जिसे कोई भी शिकारी पकड़ ले। मैं नागिन हूँ जो ढस भी सकती है। नागिन हो तो हम दौलत की बीन बचाकर तुम्हें अपने बस में कर लेंगे। मुझे दौलत नहीं चाहिए, एक शरीफ औरत किसी भी कीमत पर नहीं बिकती। शरीफ औरत? जो स्मगलर्स के घरों में काम करती है वो शरीफ औरत, जो चरस का धंधा करती है वो शरीफ औरत, जिसका बिजनेस धोखा फरेब और बेवफाई है वो शरीफ औरत। हाँ हाँ, ये सब मैं करती हूँ लेकिन इसकी कोई वजह है, कोई मजबूरी है। फिर भी मैं किसी की रखेल नहीं, अपना शरीर नहीं बेचा। शरीर नहीं बेचा इसलिए कि हमारे जैसा खरीदार नहीं मिला होगा। तमीज लड़की, तुमने शेख का प्यार देखा है, जलाल नहीं देखा। हम लंगड़े जरूर हैं लेकिन हमारे बाजुओं में बेपनाह ताकत है। तुम्हारे लिए सोने चांदी के महल बनवा देंगे, हीरे जवाहरात तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता, मुझे बर्बाद मत करो, चाहे तो मुझे मार डालो। हम तुम्हें जिंदगी देने आया है, मार कैसे डालेगा। मगर जो औरत किसी के प्यार की कसम खा चुकी हो वो पराए मर्द के हाथ लगने से मर जाती है। शेख, मेरे प्यार को बर्बाद मत करो। ये कोई नया फसाना है, कोई नया बहाना है गुलबदन? नहीं नहीं, ये बहाना नहीं, ये सच है। मेरा प्यार किसी की अमानत है, मुझ पर रहम करो। अमानत? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है शेख, ये सच है। कौन है वो जिसकी खातिर तुम दुनिया की हर खुशी ठुकरा रही हो? तुम उसे नहीं जानते, वो एक मामूली आदमी है, कपड़े की मिल का एजेंट। कपड़े की मिल का एजेंट? हाँ। हम समझ गए, वो है सूरज कुमार जो हमारे रास्ते में आ रहा है। तुम उसे जानते हो? शेख सब जानता है, वो कालीचरण का जानी दुश्मन है और भेष बदल कर हिंदुस्तान से उसका पीछा कर रहा है। शायद तुम ये नहीं जानती, वो इस वक्त इस खले में कैद है। क्या हुआ है? हाँ, और आज हमें पता चल गया वो कालीचरण का ही दुश्मन नहीं, हमारे रास्ते का भी पत्थर है। हम आज ही उसका सर कलम करके तुम्हारे सामने लाए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। शेख सूरज कुमार।
इतना बड़ा इम्तिहान लिया, अगर मैं मर जाती तो मैं तुम्हें मौत के मुंह से भी बचा लेता। शेख अब्दुस्सत्तार उर्फ सूरज कुमार, एक्टर तुम बहुत बढ़िया, लेकिन कालीचरण को धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम कि हमने इस कमरे में माइक लगवा दिए थे और तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। ओ, पिस्तौल तो बहुत अच्छा है, और इसी पिस्तौल की गोली तुम्हारे सीने के पार कर दी जाएगी, लेकिन अभी नहीं। जाहिर है कि तुमने पुलिस को इत्तला दे दी होगी, और अगर पुलिस आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी का सौदा शायद उसके साथ करना पड़े। जाएंगो, अलार्म बेल और सारा सामान कश्तियों पर लदवा दो, इससे पहले कि पुलिस यहां पहुंचे। हम लोगों को यहां से निकल जाना चाहिए, और इन लोगों को अपना कैदी बनाकर साथ ले चलो। आइए, कम ऑन कम ऑन, बी क्विक। और देखो, तुमने सब जगह बारूद भर दिए ना? यस सर। शाबाश, जैसे ही हम लोग हिफाजत से बाहर निकल आए, तुम लोग सारी सुरंगें उड़ा देना। ओके। और हाँ, एक बात का ख्याल रखो, दो दिन के अंदर हम लोग सिसली के जजीरे पर मिल रहे हैं। किसी तरह रोकना चाहिए, मगर हम अकेले क्या करेंगे? I have to do something। अगर ये लोग निकल गए तो हमारा सारा मिशन फेल हो जाएगा। कम समझ लो। Yeah.
तेरी याद आई के आजा तेरी।